नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्रेड पर। यूँ तो जब भी हम अंडा शब्द सुनते हैं हमारे सामने वाइट कलर की अंडे की तस्वीर आ जाती है, पर क्या आपको पता है दुनिया के अलग अलग जीव अलग अलग तरह के अंडे देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे दुनिया के 10 रेयरेस्ट अंडे। सार्क एग्स, यूँ तो सार्क की 70% आबादी बच्चे को जन्म देती है पर 30% अंडे देती है। शार्क अंडे देने के बाद इसे छोड़कर चली जाती है। अंडे की बनावट कुछ ऐसी होती है कि आप अंडे में हिलते हुए बच्चे को देख सकते हैं। नंबर 9, सी हॉर्स एग्स। फीमेल सी हॉर्स एक बार में करीब 1500 अंडे देती है और मेल सी हॉर्स जिसके सामने की तरफ बर्थिंग पाउच होता है उसमें अंडों को 9 से 45 दिनों के लिए रखता है। जब अंडे पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं तो मेल सी हॉर्स अंडों को बाहर निकाल देता है। क्लॉनफिश, क्लॉनफिश मेल क्लॉनफिश के रूप में ही जन्म लेती है पर ज़रूरत पड़ने पर खुद को फीमेल क्लॉनफिश में कन्वर्ट कर लेती है। ऐसा वह तब करती है जब किसी ग्रुप की फीमेल क्लॉनफिश मर जाती है, तब उस ग्रुप का डोमिनेंट मेल क्लॉनफिश खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेता है। फीमेल क्लॉनफिश एक बार में 100 से 1000 अंडे दे सकती है। इन अंडों का साइज 3 से 4 मिलीमीटर तक होता है। स्नेल सेग, आप सब ने कभी ना कभी स्नेल को देखा होगा, पर क्या आपने कभी स्नेल के अंडे को देखा है? ज़्यादातर स्नेल प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कुछ स्नेल की प्रजाति 10 से 12 अंडे दे सकती है तो कुछ स्नेल्स की प्रजाति एक बार में 600 तक अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 4 दिन में ही बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। सुरिनन टोड एग्स, सुरिनन मेढक की एक प्रजाति है। ये सूखे हुए पत्ती की तरह दिखाई देते हैं। इनका शरीर फ्लैट होता है। ये मेढक अपने अंडे को तब तक अपने पीठ पर रखते हैं जब तक ये ठीक से विकसित नहीं हो जाते। साउदर्न कैसोवेरी एग्स, साउदर्न कैसोवेरी ऑस्ट्रेलिया की खास प्रजातियों में से एक है। यह पक्षी उड़ नहीं सकती। काले और नीले रंग की यह पक्षी दुनिया के सबसे वजनदार पक्षियों में दूसरे स्थान पर है। ये गहरे हरे रंग के अंडे देती है जिसका वजन करीब 650 ग्राम का होता है और साइज 13 सेंटीमीटर होता है। हॉर्न सार्क एग्स, हॉर्न सार्क एग्स देखने से तो किसी अंडे की तरह ही नहीं लगता। सार्क एक जगह अंडा देने के बाद उसे मुंह में दबाकर समुद्र में पत्थरों के बीच छुपा देती है। यह समुद्र के काफ़ी नीचे छुपाती है जिसके कारण कम ही लोग इसे देख पाते हैं। रॉबिन सेक्स, ये खूबसूरत पक्षी नीले रंग का अंडा देती है। फीमेल रॉबिन बर्ड एक दिन में एक अंडा देती है और ऐसा वो 4-5 दिन तक करती है। इन अंडों का साइज 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। येलो हेडेड जॉ फिश एग, इस मछली का अंडे देने का तरीका बहुत ही अलग होता है। यह एक बार में 200 से 300 अंडे देती है और इसके बाद मेल जॉफिश उन अंडों को अपने मुंह में तब तक रखता है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते। हनी बीज एग, मधुमक्खी में अंडे देने का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी करती है। रानी मधुमक्खी का भी जन्म आम मधुमक्खी की तरह ही होता है मगर इनकी साइज सामान्य मधुमक्खी से थोड़ी बड़ी होती है। रानी मधुमक्खी करीब 2 साल तक रोज़ अंडे देती है। इनके छत्ते के हर एक होल में एक अंडा होता है जिससे मधुमक्खियां बाहर निकलते रहती हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।